तो गाइस आज हम इस वीडियो में बाजा बनाना सीखेंगे। तो बाजा बनाने के लिए हमें चाहिए वाटर या पानी, और लाल मिर्च पाउडर नहीं तो चिल्ली पाउडर, नेक्स्ट इज साल्ट नहीं तो नमक, नेक्स्ट बेसन का आटा, अजवाइन, ये जीरा चाहिए, और ये सोडा पाउडर और लहसुन। तो बिना देरी के चलिए बनाते हैं। पहले ये प्याज एक बर्तन एक इसमें डाल लीजिए, कटोरी हाँ कटोरे में डाल दीजिए। तो नेक्स्ट प्याज डालने के बाद बेसन का आटा डाल लीजिए। तो मतलब मैं क्वांटिटी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके घर में जितने लोग खाते हैं उस क्वांटिटी का बेसन डाल लीजिए, और नॉर्मल इजी है बनाना। तो नेक्स्ट हम डाल रहे हैं चिल्ली पाउडर। चिल्ली भी आपके आपके घर में जितना खाते हैं उसके हिसाब से डाल लीजिए। नेक्स्ट हम डालते हैं नमक, नमक स्वाद अनुसार, मतलब आपके डाल लीजिए आपको कितना चाहिए। नेक्स्ट हम डाल रहे हैं अजवाइन, और अजवाइन 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 को ऐसा मतलब थोड़ा पीस के डाल लीजिए, तो मतलब स्वाद थोड़ा उठ के आ जाएगा। तो अजवाइन क्या है, वो भजा में एक अच्छा सा स्वाद देता है हमें, कि और ये हेल्दी भी है, पेट नहीं दुखता। हाँ पेट नहीं दुखता, पेट साफ हो जाता है अच्छे से। नेक्स्ट ये है जीरा। जीरा तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ये है, तो जीरा भी ऐसे थोड़ा पीस के डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट हम डाल रहे हैं सोडा पाउडर। सोडा पाउडर मतलब सोडा, सोडे से क्या होगा वो भजे में ऐसा मतलब अच्छे से टेक्सचर आ जाएगा, और खाने में भी अच्छा लगेगा, और एक ये आएगा मतलब पफिनेस टाइप आटा है, तो थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल लीजिए, उससे क्या होगा तो वो भजा क्रिस्पी बनेगा। और अब इन सबको अच्छे से मिला लीजिए, मतलब अच्छे से फुल सब सारी चीज़ें अच्छे, लहसुन में ये आटे के कोटिंग और वो मिर्ची अच्छे तरह से मिक्स कीजिए। बोला मैंने लहसुन नहीं, प्याज, प्याज मतलब ऑनियन, ऑनियन में ये आटे का अच्छे से टेक्सचर हो जाना चाहिए, मतलब कोटिंग हो जाना चाहिए, और एक कंसिस्टेंसी और अच्छी तरह से मिला लीजिए, मतलब हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, नहीं मतलब एक ही जगह पे ऐसा कॉन्सेंट्रेटर नहीं रहना चाहिए। तो नेक्स्ट आप पानी डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी हमने मिक्सिंग चालू कर दी है, और हम इसको अब मिलाएंगे अच्छे से, और थोड़ा पानी डालेंगे। ऐसी कंसिस्टेंसी तक आपको अच्छे से मिक्स करना होगा। अब ऐसी कंसिस्टेंसी होने के बाद अब इसको तेल गरम कर लीजिए, और तेल गरम होने के बाद अब आप इसको तल के तलना चालू कर दीजिए, मतलब देखिए कैसा हो जाता है। तेल बहुत गरम रहता है तो मतलब आराम से कीजिए, मतलब बड़े रहना चाहिए आपके पास, बहुत मतलब बोल रहा हूँ मैं। और अंदर की तरफ से भी अच्छा बहुत गर्म है, तो आप अब देख सकते हो मतलब अंदर की तरफ से मतलब फुल सॉफ्ट सॉफ्ट बना है, और क्रिस्पी भी है। तो आप भी बना कर देखिए कैसा बनाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।